क्यों ना 3D एनिमेशन की मदद से इस बात के पीछे की साइंस को समझा जाए कि आखिर अनियन काटते वक्त आपकी आंखों से आंसू क्यों आते हैं, यानी कि व्हाई डू अनियंस मेक यू क्राई। अनियन के पीछे की साइंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने होंगे। इन जनरल अंकुरित प्याज को या यूं कह लो अनियन सीडलिंग को जब हम ग्राउंड में बोते हैं तो कुछ ऐसा सीन होता है, और कुछ महीनों बाद जब हम फुली ग्रोन अनियन को ग्राउंड से निकालते हैं तो कुछ ऐसा सीन होता है। नादान से जवान बनने के कुछ महीनों के सफर में ये अनियन इस ग्राउंड से काफी सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के अलावा एक ऐसा नॉन मेटेलिक केमिकल एलिमेंट भी एब्जॉर्ब करती है जिसने इस मीम को जन्म दिया, और वो एलिमेंट है सल्फर। और यही सल्फर इस अनियन के अंदर समय के साथ अमीनो एसिड सल्फोक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेट 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 वेट, प्रोफेसर मजा नहीं आ रहा है। इतने भारी भारी शब्दों को हटाओ और कुछ ऐसा बोलो जो असल जिंदगी में हो। चलो ठीक, अनियन काटने में आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि अंदर की साइड थोड़ा ऑयली सब्सटेंस होता है। यही वो ऑयली सब्सटेंस है जो अनियन को उसका स्पेशल फ्लेवर देता है, और यही वो ऑयली सब्सटेंस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की एक क्लास पाई जाती है जो है अमीनो एसिड सल्फोक्साइड्स। आई रिपीट, याद रखना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट से हमने अमीनो एसिड सल्फोक्साइड्स के बारे में जाना है। ग्राउंड से निकलकर अनियन आपके हाथ में आते ही, जैसे ही आपने अनियन को कट किया, तो रियल वर्ल्ड में आपको जो दिखा वो ये कि इस नाइफ ने इस अनियन को कट किया। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो इस नाइफ ने इस अनियन के सेल्स को कट किया। अनियन के सेल्स के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोला जाता है लैक्रिमेटरी फैक्टर सिंथेस। जैसे ही नाइफ ने अनियन के इस सेल को कट किया तो ये लैक्रिमेटरी फैक्टर सिंथेस एंजाइम हवा में रिलीज हो गया। अब अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समराइज करूं तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट से हमने ये समझा कि अनियन के सरफेस पर ये ऑयली सब्सटेंस लगा हुआ है जो कि है अमीनो एसिड सल्फोक्साइड्स, और सेकंड कॉन्सेप्ट से हमने ये समझा कि सेल्स कटने की वजह से यहीं हवा में लैक्रिमेटरी फैक्टर सिंथेस एंजाइम है। बस यहीं से असली खेल शुरू। अब ये लैक्रिमेटरी फैक्टर सिंथेस एंजाइम अमीनो एसिड सल्फोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और अपने आप को एक ऐसे केमिकल में रीअरेंज कर लेता है जिसको प्रोनाउंस करने में एक आम आदमी की जीभ में तो लकवा ही मार जाए, और वो केमिकल है सिनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड। ये सिनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, और ये सिनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड ही हमारी आंखों में उड़ता हुआ आता है जिसकी वजह से अनियन काटते वक्त हमें आंसू आते हैं। आइए समझते हैं कैसे। अगर आपको स्कूल लाइफ में वापस ले जाकर जरा आई एनाटॉमी याद दिलवाऊं तो ये हमारी आंखों का लेंस है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इन सिलियरी मसल्स की हेल्प से फोकल लेंथ चेंज करता है। इसके बाहर ये जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये ही आयरिस है, और अपनी आंखों में कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए इस चीज को डिसाइड करने के लिए ये प्यूपिल है। इस आयरिस को कवर करता है ये कॉर्निया, और ये कॉर्निया ही अपनी आंख का आउटर मोस्ट पार्ट है। चौंकाने वाली बात ये है कि मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारी आंखों से जो आंसू आते हैं वो टोटल तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है इमोशनल टीयर्स, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो उस समय हमारी आंखों से जो आंसू आते हैं वो हुए इमोशनल टीयर्स। सेकंड टाइप है रिफ्लेक्स टीयर्स, यानी कि जब भी हमारी आंखों में कोई तिनका, कोई इरिटेंट या फिर कोई भी ऐसी चीज जाती है जो हमारी आंखों को डैमेज कर सकती है, उस चीज को वॉश आउट करने के लिए हमारी आंखों से जो टीयर्स आते हैं उन्हें ही रिफ्लेक्स टीयर्स बोला जाता है। और थर्ड टाइप है बेसल टीयर्स। आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि हमारी आंखें हमेशा ही थोड़ी सी गीली या नम रहती हैं। ये आंसू जो 24 घंटे सातों दिन हमारी आंखों में बने रहते हैं इन्हें ही बेसल टीयर्स बोला जाता है। इन बेसल टीयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है अपनी आंखों को डस्ट, डर्ट और अदर हार्मफुल माइक्रो पार्टिकल से प्रोटेक्ट करना। अब बात प्रोटेक्शन की चल ही गई है तो आपको बता दूं कि जब भी आप वीक पासवर्ड वाले वाईफाई से या पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करके अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप में इंटरनेट यूज करते वक्त कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो ये वेबसाइट एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आपके ISP के पास जाती है। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो कंपनी आपको इंटरनेट दे रही है। सिर्फ वेबसाइट एक्सेस की रिक्वेस्ट ही नहीं बल्कि आपका IP एड्रेस प्लस अदर डेटा भी ट्रांसफर होता है।
प्रॉब्लम ये है कि एक प्रोफेशनल हैकर को आपका आईपी एड्रेस जानने के बाद आपकी लोकेशन, ऑनलाइन आइडेंटिटी और इवन अगर आप बिना HTTPS पेडलॉग वाले वेब पेजेस को एक्सेस करते हो तो शॉपिंग करते वक्त आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स तक जानना भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर आप NordVPN यूज करते हो तो ये NordVPN आपके इस डेटा के अराउंड एक टनल क्रिएट करके आपके डेटा को सिक्योर करके एक सर्वर से कनेक्ट कर देगा। अब ये सर्वर आपके बिहाफ पर इंटरनेट को एक्सेस करेगा और ये हैकर इस टनल की वजह से या फिर यूं कह लो कि इस इंक्रिप्शन की वजह से इजीली आपके डेटा को स्टील भी नहीं कर पाएगा। अच्छी बात यह है कि आपके हाथ में है कि आप NordVPN के टोटल 59 डिफरेंट कंट्रीज में से 5400 प्लस सर्वर्स में से कौन से सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हो। एनीवेज, अब जैसे ही ये सिनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड नामक केमिकल इन बेजल टीयर्स और कॉर्निया के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इन सिलियरी मसल्स की हेल्प से हमारे ब्रेन को पता चलेगा कि डेफिनेटली कुछ लफड़ा है। हमारा ब्रेन तुरंत लैक्रिमल ग्लैंड्स को ऑर्डर देगा कि इस केमिकल को वॉश आउट करने के लिए टीयर्स रिलीज करो। ये लैक्रिमल ग्लैंड जो हमारी आंखों के जस्ट ऊपर लोकेटेड होती है वो तुरंत इन डक्ट्स में से टीयर्स रिलीज करने लगेगी और ये सिनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड केमिकल पूरी तरह से वॉश आउट हो जाएगा। अगर इस पूरे टॉपिक को एक लाइन में सम अप करूं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अनियन काटते वक्त उसमें से निकलने वाले केमिकल से हमारी आंखों को बचाने के लिए ही हमें अनियन काटने पे आंसू आते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि जानवरों और कीटनाशकों से खुद को बचाने के लिए अनियन के अंदर ये केमिकल्स होते हैं। बात सेफ्टी की चली तो अनियन ने खुद का इंतजाम तो कर लिया। इसी प्रकार हाईली इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए आप भी अपना इंतजाम करो और एज सून एज पॉसिबल nordvpn.com/POH पर जाकर अभी की अभी POH कूपन कोड अप्लाई करके NordVPN के 2-year प्लान पर ह्यूज डिस्काउंट पाओ और शुरू के एक महीने के लिए तो NordVPN एकदम फ्री में यूज करो।